मेरा नाम हर्षित कोहली है, मैं रुड़की उत्तराखंड से आया हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। मुझे स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई पिछले मंथ ही। सौरभ रावल को ऑनलाइन पता चला तो हम अपोलो हॉस्पिटल उनसे मिलने आए। तो हर्षित को जब वो टीनेज में आया तब ग्रोथ स्पर्ट के साथ में उसकी स्पाइन में एक टेढ़ापन या कुबड़ापन डेवलप हो गया था, और वहाँ पे लोकली जब उसने एक्सरेज वगैरह कराए तो उसमें निकल के सामने आया कि उसको स्कोलियोसिस है। मेरी कमर में बहुत पेन आने लग गया था जब मैं ज्यादा देर बैठता था। उसका स्कोलियोसिस जो है वो हमने जब एक्सरेज कराए तो लगभग 50 डिग्री के आसपास था। उसके फैमिली से डिस्कशन करके हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग इसको सर्जिकली करेक्ट करेंगे, और हम लोगों ने उसकी सर्जरी यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में करी। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि बहुत बड़ी सर्जरी हुई, और ऐसे हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्रेंडली नेचर, घर का ही माहौल लगा यहाँ पर आने में। और यहाँ से आई थिंक 3-4 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज होकर वो कम्फर्टेबली वापस लौट कर गया। और यहाँ हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, यहाँ बेड वगैरह, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। केयर बहुत अच्छी की जितनी भी नर्सेस थी यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में। तो यदि आपकी फैमिली में किसी को स्कोलियोसिस की परेशानी है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में बेल्ट एक्सरसाइज से स्कोलियोसिस के कर्व को, कुबड़ेपन को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि टेढ़ापन ज़्यादा बढ़ भी चुका है तो आजकल ये बहुत नॉर्मल सर्जरी के द्वारा सक्सेसफुली करेक्ट किया जा सकता है। मैं डॉक्टर सौरभ रावल और अपोलो हॉस्पिटल को थैंक यू बोलना चाहूँगा।